हेलो एंड वेलकम टू EFA एकेडमी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में मैं EV संजू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 923 पाइटल एंड सिंगर का। सबसे पहले क्वेश्चन आप ऊपर स्क्रीन में आप पढ़ सकते हैं। मैं बुक से मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के आपके सामने पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल सॉल्यूशन में आएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो पहले आप देखें, और मोर सर्किल के बारे में डिटेल जो लास्ट लेक्चर इस सीरीज का लास्ट लेक्चर है, इसमें हम लोगों ने बिल्कुल समराइज तरीके से मोर सर्किल के बारे में, मोर सर्किल क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है या प्रिंसिपल प्लेन क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया। लेकिन अगर किसी को डिटेल में देखना है तो वो जो मोर सर्किल एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाएँ, और वहाँ 6-7 घंटे का डिटेल एनालिसिस मैंने किया है। लेकिन ये सीरीज है जिसमें हम लोग पाइटल एंड सिंगर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, और इसके न्यूमेरिकल से अपने कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्कुल अच्छे लेवल तक हम लोग बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये 923 क्वेश्चन नंबर 923 ये एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन होगा। लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखते जाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाते जाएंगे। और अल्टीमेटली जब आप इस चैप्टर्स का जब एग्जांपल, जैसे इस चैप्टर का लास्ट एग्जांपल हो गया 940 939 938, जब ये सब न्यूमेरिकल आप जब बनाओगे ना, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तब आपको आने चाहिए, तभी आप बना पाओगे, नहीं तो आप नहीं बना पाओगे। मैं क्लियर कर दूँ, वो आपको ये फार्मूला है ना, जो सिर्फ फार्मूला रट के आप नहीं बना पाओगे। आप जितना भी कॉन्सेप्ट लगा लो, जितना भी शॉर्टकट लगा लो, आप 940 938 बिना कॉन्सेप्ट के आप नहीं बना पाओगे। इसीलिए चीज़ों को बिल्कुल जीरो से आप सीखिए, आप तो बस लर्निंग का मज़ा लीजिए। ठीक है, मैं हूँ ना सिखाने के लिए, तो चलिए सीखते हैं आइए। तो जैसा कि क्वेश्चन मैं पढ़ दूँ आपसे, आप अपने स्क्रीन में भी आप देख लो। एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ स्ट्रेस्ड बॉडी द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर सिग्मा एक्स, मैं लिख देता हूँ जो सिग्मा एक्स का वैल्यू दे रखा है, सिग्मा एक्स ये दे रखा है 80 MPa एंड सिग्मा वाई दे रखा है -40 MPa, सिग्मा वाई ये दे रखा है -40 MPa। ठीक है, डिटरमाइन सिग्मा एंड टाउ ऑन द प्लेन्स whose normals are at 30 degree plus 30 degree and 120 degree with the x-axis, okay? नंबर वन, ये आपका दिया हुआ है कि x एक्सिस से 30 डिग्री, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको x एक्सिस पहले निकालना पड़ेगा, कौन सा x एक्सिस है अभी तो है ना, चलिए स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट ये पूछा है, शो योर रिजल्ट्स ऑन अ स्केच ऑफ अ डिफरेंशियल एलिमेंट। ओके, अब बिल्कुल सिंपल है, आप देखते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसा आप क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ स्ट्रेस बॉडी द प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रिंसिपल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो प्रिंसिपल प्लेन पे लग रहा होता है। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस जीरो होता है। समझ रहे हैं आपको, ओके? तो जैसा आप याद करेंगे लास्ट लेक्चर में, जो मैं एक समराइज लेक्चर मैंने लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई इस तरीके से सिग्मा टाउ, ओके, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस का, न्यूमेरिकल का, इसलिए मैं इतना बेसिक में जा रहा हूँ। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ये सब हम लोग को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ओके? तो जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि वो स्ट्रेस एलिमेंट का प्रिंसिपल स्ट्रेस का बात कर रहा है। प्रिंसिपल स्ट्रेस जैसे मैंने बताया कि वो स्ट्रेस जो प्रिंसिपल प्लेन पर लग रहा है, प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो है, मतलब बात कर रहा है इस प्लेन का, ये प्लेन, ये क्या है, ये अलग अलग प्लेन है, ओके? तो ये इसका वैल्यू, ये सिग्मा वन जो हम लोग जानते थे, ये सिग्मा वन बोलते थे,
और ये सिग्मा टू बोलते थे। इसको बोलते थे मेजर प्रिंसिपल प्लेन, इसको बोलते थे माइनर प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्लियर है? मतलब यहाँ पर जो आपका वैल्यू दे रखा है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, दिस इज दिस आर नथिंग बट योर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मतलब उस प्लेन का वैल्यू दे रखा है जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो है। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे जो स्ट्रेस एलिमेंट लग रहे होते हैं उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट आपके सामने ड्रॉ करने का प्रयास करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा चीजों को बिल्कुल साफ साफ आपके स्क्रीन में ड्रॉ करने का, ताकि परमानेंटली आपके जहन में चीजें बैठ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट ड्रॉ करते हैं भाई। ओके, ठीक है जी। तो ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, जैसा कि हम नॉर्मली हम लोग लेते हैं कि जो एक्सिस सिस्टम, मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, मैं सॉरी एक्स एक्स फेस है। एक्स फेस इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको मैं एक्स फेस क्यों बोल रहा हूँ, एक्स फेस इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने इसको बोला एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से वो जो परपेंडिकुलर फेस होगा वो फेस क्या होगा, एक्स फेस। वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस मिलेगा वो होगा एक्स फेस। वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस मिलेगा वो फेस कौन सा होगा, वाई फेस। इसका मतलब एक्स फेस पे नॉर्मल एक्सिस का वैल्यू दे रखा है 80 एमपीए, वो पॉजिटिव है। ओके, चलो भाई एक्स फेस पे, एक स्पेस पे ये देखो आपका नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा है, ओके, सिग्मा एक्स विच इज प्लस 80 एमपीए। जाहिर सी बात है जिसको साइन कन्वेंशन में दिक्कत होता है वो प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ेंगे डिटेल में। हाँ, ये मेरा पॉजिटिव है, यही अगर टुवर्ड दिस ये रहता तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो ये रहा आपका सिग्मा एक्स, जितना वैल्यू ये उतना ही वैल्यू 80 एमपीए। सिग्मा वाई का देखो यहाँ पर माइनस 40 एमपीए। ओके, तो ये रहा आपका कॉम्प्रेसिव है इसलिए ये डायरेक्शन हुआ, ये हुआ आपका सिग्मा वाई इक्वल टू माइनस 40 एमपीए। ठीक है, ये रहा आपका सिग्मा वाई। ठीक है जी, यहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का वैल्यू है। प्रिंसिपल स्ट्रेस कहाँ, जिसमें प्रिंसिपल प्लेन पर लगा, प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन में कोई भी शियर स्ट्रेस का वैल्यू नहीं होगा, इसलिए आपका शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ नहीं। मोर सर्किल कैसे ड्रॉ करना है, कल आपने भली भांति चीजों को, मतलब लास्ट वीडियो जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसके पहले वाला वीडियो जाके देखेंगे, हालांकि कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाला है नहीं। मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, आप देखें स्टेप बाय स्टेप, आप फॉलो करें चीज़ों को, बहुत आसानी से बनता चलाएगा। तो चलिए भाई, मोर सर्किल में जैसा कि आपको पता है एक सिग्मा एक्सिस चाहिए और एक टाउ एक्सिस चाहिए भाई, है ना। तो चलो भाई, ये रहा मेरा चल। तो जैसा कि आपको पता है कि इसको हम लोग लेते हैं ये सिग्मा एक्सिस, मतलब सिग्मा जो भी नॉर्मल स्ट्रेसेस होगा बॉडी पे उसको हम लोग को इसी एक्सिस में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। ये नॉर्मल स्ट्रेस का एक्सिस है और ये मेरा है मेरा शियर स्ट्रेस का एक्सिस। ओके, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। हमको सर्किल ड्रॉ करने के लिए कम से कम दो पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। देखो दो फेस है, ये रहा आपका एक्स फेस, ये रहा वाई फेस, ठीक है। एक्स फेस पे देखो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा है क्या, सिग्मा का वैल्यू दे रखा है, वेरी गुड।
सी आर एस एस का वैल्यू दे रखा है क्या? सी आर एस एस तो कुछ है भी नहीं यहाँ दे, इसका मतलब जीरो है। ठीक है, तो एक्स स्ट्रेस हमको खोजना है, एक्स स्ट्रेस। तो एक्स स्ट्रेस खोजने के लिए हमको नॉर्मल स्ट्रेस पहले जाना पड़ेगा। नॉर्मल स्ट्रेस कितना दे रखा है भैया? नॉर्मल स्ट्रेस हमको दे रखा है, चलो ये रहा 80, ये सिग्मा का वैल्यू हो गया 80 एक्स स्ट्रेस पे। और एक्स स्ट्रेस पे सियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या रखा है, दे रखा है जीरो। तो यही पॉइंट होगा ना, क्योंकि सियर स्ट्रेस देखो ये रहा जीरो, ये जीरो पॉइंट है। तो जीरो प्लस माइनस मतलब ये जीरो, मतलब यही फेस, यही पॉइंट जो रिप्रेजेंट करेगा आपको एक्स फेस को। ये जो फेस है यही फेस हुआ आपका एक्स फेस, यही आपका एक्स फेस हुआ डायरेक्टली। क्यों भाई? क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस आप गए 80, ठीक है, ये सिग्मा एक पॉइंट पर पहुंचा 80 नॉर्मल स्ट्रेस का पॉइंट, जब सीआर स्ट्रेस कितना है जीरो है, मतलब यही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा आपका एक्स फेस को। ठीक है, अच्छा वाई, अच्छा ये मैं लिख देता हूं, ये आपका ये सिग्मा एक्स है इक्वल टू 80, ओके 80 एमपीए। अच्छा वाई फेस की जब बात करें तो ये है आपका माइनस 40 एमपीए, ओके, मतलब ये आपका आ रहा है ये इधर माइनस, ये 80 लिए है मान लो, यहां से वाई फेस हम खोजना चाह रहे, तो वाई फेस पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा है माइनस 40। चलो भाई ये रहा आपका माइनस 40, ठीक है, सिग्मा सीयर स्ट्रेस का वैल्यू कितना है यहाँ जीरो, मतलब यही पॉइंट है माइनस 40 सिग्मा, सीयर स्ट्रेस कितना है जीरो, मतलब यही पॉइंट है। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? यही आपको रिप्रेजेंट करेगा आपका वाई फेस को। ठीक है, तो जब जब दो पॉइंट मिल जाता है, जैसे ये क्या हुआ, ये आपका हुआ, ये चूंकि फर्स्ट लेक्चर इसलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ चीजों को लिख के, सिग्मा वाई है ये हो गया आपका कितना माइनस 40 एमपीए, माइनस 40 एमपीए, ओके, ये दोनों पॉइंट मिल गया, ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। इसका सेंटर कल का लेक्चर आप याद करेंगे, जैसे सिग्मा एक्स आपको पता रहता है, सिग्मा वाई पता रहता है, सिग्मा वाई, तो आपको सेंटर निकालना होता है, तो क्या होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कर देते हो, तो यही होता है आपका सेंटर, सेंटर ऑफ द मोस्ट सर्कल। ठीक है, तो आप देखो 80, आप देखो ना इस ये हुआ प्लस 80, ये हुआ माइनस 40, ये दोनों का जो एवरेज होगा वही तो आपका सेंटर होगा, यहाँ कहीं करीब करीब यहाँ पे करीब आएगा, कितना आ जाएगा देखो, जाहिर सी बात है ना, आप देखो ना यहाँ से ये रहा आपका 0.0 to 80, ये हुआ सिग्मा एक्स, और 0 to -40 ये हुआ सिग्मा वाई। इस दोनों का जो सेंटर होगा वही तो उस सर्किल का सेंटर होगा, तो इसका सेंटर देखो ना करीब यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू कहाँ कितना होगा, ये वैल्यू होगा यहाँ से ये वैल्यू, ये कितना आएगा प्लस 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाई टू, तो प्लस 80 माइनस 40 कितना हो गया 40 डिवाइडेड बाई टू 20, मतलब ये वैल्यू हो गया आपका 20। ठीक है, और ये मान लो ये यही हुआ आपका, ये हुआ सेंटर। ठीक है, ये तो हुआ आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर, और ये हुआ आपका मोर सर्किल का सेंटर। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, ताकि चीजें थोड़ी सी खोज ना हो, है ना, आपको समझ में आ गया कि ये हुआ आपका सेंटर। अभी चूंकि ये फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं इतना कुछ लिख रहा हूँ, अब इतना आगे लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जब ये सेंटर आपका मिल गया, जब सेंटर मिल गया, ये आपका एक पॉइंट, ये आपका एक पॉइंट, तो इसको मिलाओ और सीधे आप सर्किल बनाओ। ठीक है, तो जब आप सर्किल बनाओगे, चलो मैं सर्किल बना देता हूँ भाई, तो क्या बन रहा है, छोटी बनेगा, चलो ठीक है, पहले एक मिनट, चलो आता हूँ।
पहले मैं सर्कल ही ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा था कि इसको मैंने बोला था, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, जीरो जीरो से ये मेरा आपका 80 जो था, यही तो, इसी को तो मैंने बोला था एक्स फेस ना, ठीक है। और यही था आपका, ये पॉइंट जो था, ये था आपका वाई फेस, ठीक है ना। ये हो गया, ये हुआ एक्स फेस। और एक्स फेस जो मिला, आप देखो यहां से भी आप देख सकते हो, जो एक्स फेस है ये वही फेस है। यहां देखो, मैंने जैसा बताया था कि सिग्मा एक्स जो यहां दे रखा है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस है। आप यहां देख लो, जिसको आप एक्स फेस बोल रहे हो वही आपका प्रिंसिपल प्लेन प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यही आपका सिग्मा वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिग्मा वन मतलब ये प्रिंसिपल स्ट्रेस तो यही हुआ ना, मतलब जो एक्स फेस है वही आपका प्रिंसिपल प्लेन है। ओके, तो ये हुआ, लेकिन बात अभी हुआ नहीं, ये तो अभी तक जो क्वेश्चन में दे रखा है बस उसी को आपने ये किया है, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया था, ये रहा आपका ये 20। अब आगे देखो, इतना तो ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, अब देखो क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। डिटरमाइन सिग्मा एंड टाउ ऑन द प्लेन हुज नॉर्मल्स आर एट 30 डिग्री एंड 120 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस, है ना। तो ये रहा, मतलब जो एक्स फेस से प्लस 30 डिग्री है जो प्लेन मिलेगा, जैसे ये आपका हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ आपका वाई एक्सिस, है ना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, तभी तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस है वो आपका एक्स फेस है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस है ये वाई फेस है। तो आपको निकालना है उस फेस का वैल्यू जो उस फेस में, वो फेस जो 30 डिग्री इंक्लाइंड है, मतलब यहां से जब वो फेस जिस, मतलब समझ लीजिए, मतलब ओके, तो आपको निकालना है कि जो, मतलब यहां से ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना डिग्री, 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे। एक्स फेस ये रहा आपका एक्स फेस या एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे जो फेस मिलेगा उस फेस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? ये रहा आपका वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट जो दिया हुआ, जो इनिशियली जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दे रखा था ये, ठीक है। इससे, इस कंडीशन में, इससे 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज प्लस को आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हो, है ना। तो यहां से जब 30 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तब जो प्लेन मिलेगा उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा या शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करना, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया? ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो ये देखो कि आपने क्या किया, ये रहा आपका सिग्मा एक्स, ठीक है। सिग्मा एक्स आपको चाहिए वो फेस जो सिग्मा एक्स से कितना डिग्री इंक्लिनेशन पे है, 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है। तो आपको पता है ये चीज कि जो फिजिकल प्लेन है, जैसे यहां हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल प्लेन का, तो फिजिकल प्लेन में जो थीटा डिग्री का, अगर फिजिकल प्लेन में आप थीटा डिग्री की बात करोगे तो मोर सर्किल में 2 थीटा आपको लेना पड़ेगा, समझते हो इस चीज को। ओके, तो अगर हम बोल रहे हैं कि वो प्लेन एक्स फेस से 30 डिग्री प्लस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज प्लस दे रखा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो जब भी मेजर किया जाता है ये आपका पॉजिटिव होता है, ये एंगल जो होगा यहां से ये पॉजिटिव होगा, ये एंगल जो होगा नीचे की ओर वो नेगेटिव होगा, मतलब 30 डिग्री हमको एक्स फेस से जाना है प्लस, प्लस मतलब पॉजिटिव, मतलब यहां से आप देखो ऐसे ये हुआ, ये 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, लेकिन 30 तो फिजिकल प्लेन में, जब मोर सर्किल में कितना जाना पड़ेगा, 60 डिग्री, मतलब
ये रहा आपका 0 डिग्री, ये रहा आपका 60 डिग्री, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 60 डिग्री ही है ऐसे ऐसे, ये ठीक है ना। तो और जैसा कि आपको पता है, इसके इसके ठीक अपोजिट अगर आपका ये एक्स फेस होगा, सॉरी मतलब जो फेस है, जो यहाँ से ये फेस, यहाँ से 30 डिग्री पे जो फेस मिला है ना, और इसी के परपेंडिकुलर फेस फिजिकल प्लेन में जो वो कितना प्लस 90 डिग्री करोगे तो आपको इस फेस के परपेंडिकुलर फेस मिल जाएगा। तो 30 प्लस 90 का तो कितना होता है, 120 होता है क्या? देखो क्वेश्चन में भी देख रहा, आप पढ़ के देखो क्वेश्चन में कि दूसरा फेस जो दे रखा है 120, मतलब जो आपका वैल्यू पूछ रहा है, एक तो ये प्लेन में जो 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे है, और दूसरा प्लेन जो दे रखा है प्लस 120, प्लस 120 मतलब यही। और लेकिन जब यहाँ बात आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 60, मतलब 120 बोला है ना, 120 मतलब 240, 240 जरा देख के देखो, ये देखो ये मिलेगा आपको 240, ये रहा 60, और इसके ठीक अपोजिट आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ तो ये मिलेगा, ये आप गया आपने, ये रहा आपका प्लस 60 डिग्री, प्लस क्या, ये 60 डिग्री। अब जरा देखो कि ये आपको यहाँ से जो एक्स फेस से बोला है ना, एक्स फेस से 30 डिग्री, मतलब मोर सर्किल में एक्स फेस से 60 डिग्री, तो मोर सर्किल में एक्स फेस से 60 डिग्री, फिजिकल प्लेन में एक्स फेस से 30 डिग्री, मोर सर्किल में एक्स फेस से 60 डिग्री। दूसरा प्लेन की बात करते हैं, दूसरा प्लेन बोल रहा है एक्स फेस से 120 डिग्री, एक्स फेस से 120 डिग्री, एक्स जो एक्स एक्सिस, जो मान लो कि ये एक्स फेस से ये फेस आने के लिए कितना 120 डिग्री, यहां कितना चाहिए जो एक्स फेस से 240 डिग्री, 120 गुना 2, 240 डिग्री, जरा करके देखो। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, जो या एक्स फेस से आप यहां बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, कितना हुआ 180, 180 प्लस ये एंगल, यहां से यहां तक जब आप बढ़े, यहां से यहां तक कितना हुआ भाई, ना मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि दूसरा फेस ये होगा, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ कि ये 240 आपका आना चाहिए। तो ये देखो यहां से जब आप बढ़े, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये रहा आपका 180 प्लस ये थीटा, 180 प्लस थीटा है ना, ये थीटा कितना होगा भाई, देखो तो ये 60 है, तो ये 60 है, तो जाहिर सी बात है ये भी तो 60 होगा है ना, तो 180 प्लस 60 कितना होगा, कितना होता है, 240 होता है क्या, तो आ गया दूसरा 180 प्लस 60 मतलब 240 डिग्री, तो इसी फेस का तो बात कर रहा है। हाँ चूंकि ये फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ ये सब चीज, ये सब करने के लिए, ये अंडरस्टूड है भाई, ये अंडरस्टूड है कि जैसे आपको ये फेस मिला, जिस फेस के एक्स फेस से हमको उस स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है, उस प्लेन पे जो प्लेन एक्स फेस से हाँ 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है, तो ये रहा वो फेस, और इसका जस्ट दूसरा फेस, अपोजिट फेस जो इसके परपेंडिकुलर में होगा वो ये होगा, ठीक है। इस दोनों फेस पे एक फेस ये हुआ, मान लो इस फेस का मैं नाम दे दूं मान लो ई, और इस फेस का नाम मैं दे दूं एफ, ठीक है। तो ई फेस पे जैसा आप जानते हैं कि वहां पर दो स्ट्रेस लगेगा, एक एक होगा नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा होगा सियर स्ट्रेस, और यहां पर भी जो वो आएगा नॉर्मल स्ट्रेस और सियर स्ट्रेस, ओके। तो जब यहां की बात करोगे, यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस जब अगर आपसे पूछेगा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, इस फेस के कोरस्पॉन्डिंग यहां पर देखो, ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया ना, टाउ और सिग्मा का कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, तो यहां पर टाउ कितना है, सिग्मा कितना है, यही तो आपको पूछ रहा है, यहां पर बताओ कि सिग्मा का वैल्यू कितना है, तो मतलब 0 से लेके यहां तक सिग्मा, सिग्मा ई मान लो कि यहां पर जो वैल्यू निकलेगा, हाँ वो प्लेन जो एक्स फेस से
एक्स फेस से फिजिकल प्लेन में 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है, मतलब मोर सर्किल में 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है। तो अब एक निकाल लो सिग्मा ई का वैल्यू क्या होगा, मतलब ई फेस पे, और या टाउ ई का वैल्यू क्या होगा, मतलब ऐसे सिग्मा ई टाउ ई, ठीक है, ई फेस और दूसरा फेस हो गया एफ फेस। तो आपको कैलकुलेट करना है सिग्मा ई, मतलब ये वैल्यू इस फेस पे, ये सिग्मा का वैल्यू हो गया और ये टाउ का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओसी, चूंकि ये आपका नोन है 20, ये प्लस अगर किसी तरीके से अगर आपको ये मिल जाए तो ये कॉस 60 कर दोगे, तो आप ओसी प्लस ये करोगे तो आपको निकल जाएगा ना, मान लो मैं लिख देता हूँ उसको, मान लो ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ये रहा एम, ये रहा एन, ठीक है। तो ओ से सी आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, ओ सी प्लस सी बी लिखोगे, तो ओ सी प्लस सी बी, ओ सी प्लस सी बी यही तो निकलेगा, जो ई ई फेस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, ये वैल्यू क्या है, ओ सी प्लस सी बी, ठीक है। लेकिन अभी आप सी बी आप नहीं जानते हो, सी बी कैसे निकाल सकते हो, CE cos 60 करोगे तो आपको CB निकल जाएगा। अच्छा CE क्या है, CE है आपका इस सर्किल का रेडियस, तो सर्किल का रेडियस तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहां से ये आपको पता है सिग्मा X, सिग्मा X पता है, वो सिग्मा X दे रखा है 80 MPa, यहां से ये 80 है, ठीक है, और यहां से ये 20 है, ओके। तो 80 माइनस 20 करोगे तो ये भी तो सर्किल का रेडियस हो जाएगा, ये रहा 80 में, आप 80 में 20 माइनस करोगे तो बचेगा ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो अगर आप रेडियस निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20। मैं थोड़ा बहुत ज्यादा स्लो हो गया हूं इस फर्स्ट क्वेश्चन में, है ना, आगे इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया आपका 60, मतलब इससे आपको पता चल गया कि जो रेडियस जो हुआ, रेडियस आपका हो गया मान लो 60 एमपी है, 60 एमपी है, ओके। जब रेडियस आपको 60 में निकल गया तो ओसी आप देखो, ओसी आपका है 20 प्लस सीबी, सीबी क्या होगा, सीई कॉस 60, CE क्या होगा, CE वही होगा जो रेडियस होगा, क्योंकि ये भी आपका रेडियस है, तो CE हो गया 60 cos 60, तो ये हो गया 60 cos 60। तो ये आप देखो 20 प्लस cos 60 कितना होता है, हाफ होता है क्या, cos 60 1 by 2, तो 60 into 1 by 2 30, तो ये हुआ आपका 50 MPa, ठीक है। ये तो ये आपने निकाल लिया सिग्मा का वैल्यू। अच्छा टाउ का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर टाउ मतलब ई फेस पे जो टाउ सीयर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, 60 sin 60, है ना। तो अगर टाउ आप ई फेस पे निकालना चाहो तो वो हो जाएगा आपका 60 sin 60, तो ये कितना हो जाएगा, 60 into sin 60, ये होगा 51.96 MPa, ओके। ये रहा आपका सिग्मा ई के वैल्यू, ये रहा टाउ के वैल्यू, ये ई फेस हो गया आपका क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब आपको उसी तरीके से आपको चाहिए ये जो वैल्यू है, एक तो हुआ ये वैल्यू, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा जो 120 डिग्री पे जिस फेस की बात कर रहा है, इस फेस पे जो रुको मैं यहां पर ड्रॉइंग कर देता हूं उसको। तो ये रहा जो एक लास्ट में पूछा है कि शो योर रिजल्ट ऑन अ स्केच ऑफ अ डिफरेंशियल एलिमेंट, सो योर रिजल्ट ऑन अ स्केच ऑफ अ डिफरेंशियल एलिमेंट, तो वही मैं ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूं।
ये रहा मेरा, देखो ये रहा। यही होता है चौक में पढ़ाने का मजा। तो ये रहा वो प्लेन कौन सा, ये 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे जो है ये, और इस पे जो आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस का रहा 50 एमपीए। तो भाई ये रहा चौक, कहाँ गया भाई ये चौक। तो यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा है 50 एमपीए। तो भाई ये रहा आपका हाँ सिग्मा ई जो आपने था 50 एमपीए, ठीक है। और इस पे शियर स्ट्रेस देखो कितना है 51.96। तो उसको मैं ऐसे लूं या वैसे, या इसका डायरेक्शन मैं कैसे लूं, ऊपर की ओर या नीचे की ओर? तो आप देखोगे कि ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को क्लॉकवाइज घुमाता है, वो कपल जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा वो पॉजिटिव। मतलब जो भी होगा इसका डायरेक्शन, तो भाई मुझे पता है कि उसका डायरेक्शन होगा ये नीचे की ओर, ठीक है ये, और उसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट ये आपका, ये आपका हो गया पॉजिटिव। ओके ये हुआ, ठीक है। तो इसका वैल्यू जितना होगा, ये कितना वैल्यू मेरा, ये है आपका 51.96, ये टाउ का वैल्यू है ई फेस पे, ठीक है। ओके अब बात करते हैं इस फेस पे कितना लगेगा। इस फेस का वैल्यू क्या होगा, जो ये फेस जो है, जो एक्स फेस से 120 डिग्री के इंक्लिनेशन पे था, मतलब ये फेस, इस फेस पे आपको देखना है कि यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या है। अभी तो ब्लैंक है ना, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या लग रहा है, सीयर स्ट्रेस का वैल्यू क्या लगेगा। तो ये क्या है, जो ये वैल्यू है, ये यहाँ से लेके जो ये वैल्यू, यही है आपका यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस जो लगेगा इस फेस पे। अच्छा यहाँ पर जो ये वैल्यू है, यही वैल्यू है जो आपका सीयर स्ट्रेस का वैल्यू। अच्छा देखो एक चीज और, ये जितना बड़ा होगा ना वही आपका ये भी होगा, ठीक है। आप जैसे भी कर सकते, आप जब, आपको तो ये पता ही है कि इस, हालांकि मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ, लेकिन आप इतना जानो कि यहाँ पर जो होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ना 51.96, तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर से इसके जस्ट परपेंडिकुलर फेस में कितना होगा, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब सेम अमाउंट का सीयर स्ट्रेस इसके इसके जो परपेंडिकुलर फेस पे डेवलप हो जाएगा। मतलब वो भी आपका 51.96, ये क्लॉकवाइज कपल जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर जो डेवलप होगा माइनस में, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उसका डायरेक्शन जो होगा ऐसे। मैं इसको पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर वहां भी दिखा दूंगा आपको। उसका डायरेक्शन होगा यू, उसका डायरेक्शन होगा यू, ठीक है। ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आएगा 51.96, ये माइनस हो, मतलब माइनस मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो इसका जो ये डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉक का, ये देखो ये होगा माइनस, ये यहाँ से ये माइनस है ना माइनस। अब ऐसे भी देख लो कि ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, इसके जस्ट अपोजिट ये 60 डिग्री, ये बराबर, तो ये कितना होगा, ये तो आपको बराबर ही होगा ना भाई, ये और ये, मतलब ये अगर आपका 51.96 है, तो जाहिर सी बात है ये भी आपका 51.96 होगा, तो ये 51.96। आप जैसे भी, या फिर आप अगर वैसे आपको विश्वास नहीं है तो आप ऐसे भी कर लो, ये आपका कितना है, ये आपका इसका रेडियस आप निकाल चुके हैं 60 है, तो और ये आपका 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री, ये भी आपका कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू निकालना है तो 60 साइन 60, तो ये वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसको अगर आपको निकालना है तो ये हो गया 60 साइन 60, यही तो होगा, और ये भी तो हमने वही किया था 60 साइन 60, लेकिन 60 साइन 60 यहाँ पर ये पॉजिटिव था, ये भी आपका 60 साइन 60, मतलब ये, लेकिन ये माइनस, तो ये 60 साइन 60 आपका तो वही आएगा 51.96। तो ये रहा, ये भी हुआ आपका 51.96 माइनस में, वही तो मैंने लिखा है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव है, तो नेगेटिव है मतलब इस वैल्यूमेट्रिक एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लियर है। ये ज्यादातर चीज यहाँ क्या है, आप सीखो, आप कैसे कैसे मैं चीजों को पकड़ रहा हूँ, है ना, उसको
पेपर में सजाना वो तो आप सजा सकते हो, कैसे लिखना है, मैं यहाँ चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ, वो फेस कौन सा है, वो प्लेन कौन सा है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस तरीके से आप चीज़ों को लेकर चलोगे, मुझे भी पता है कि मैं बहुत स्लो गया हूँ ये न्यूमेरिकल, लेकिन इसका फ़ायदा तब समझ में आएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन का लेवल में पढ़ाऊंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इतना कुछ आप सीख पा रहे हो, ठीक है। इसको बिल्कुल हाई लेवल पे हम लोग जाएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी अब देखिए, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ये सीयर स्ट्रेस का वैल्यू निकल गया, लेकिन अभी तक आपने नॉर्मल, ठीक है, ये तो आप ये 51.96, ये 51.96 आपने निकाल लिया, लेकिन अभी तक आपका नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू पता नहीं है। तो नॉर्मल स्ट्रेस आप कैसे निकाल सकते हो? नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू मतलब ये वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ से, ये वैल्यू चाहिए आपको, यही चाहिए। तो वो कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे? ये देखो, ये रेडियस है, ये यहां से ये रेडियस है, रेडियस है, कैसे निकल सकता है अभी? यहां से जाओ, यहां से। देखो ये कैसे निकलेगा, ये वैल्यू, अगर मान लो कि मैं यहां हूं अभी, तो यहां से पहले मैं जाता हूं यहां पॉजिटिव, और उतना फिर देखो कैसे, मान लो कि हमको सिग्मा सिग्मा एफ निकालना है, तो सिग्मा एफ कैसे निकाल सकते हैं? यहां से पहले यहां से मैं ओसी जाता हूं, मान लो कि प्लस ओसी, प्लस ओसी, फिर यहां से मैं अगर यहां से आ जाऊं माइनस ये, तो वही जो हो जाएगा ना, और देखो ये सी एफ, सी एफ कॉस 60, जब मैं लिख रहा है सी एफ Cos 60 होगा क्या? देखो ये OC, ये मैंने पॉजिटिव ले लिया, OC प्लस OC माइनस ये, तो आपको बचेगा क्या? यही वैल्यू तो बचेगा ना, ये प्लस ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, क्या बचेगा? यही तो बचेगा, आप ये प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, OC आप जानते हो, OC आपका 20 है, माइनस CF, CF क्या है भाई, CF आपका रेडियस है 60, 60, cos 60, cos 60, cos 60 क्या होता है, हाफ होता है क्या? तो ये होगा 20 माइनस 60 इंटू हाफ, मतलब 30, ठीक है। तो कितना हुआ, माइनस 10, ठीक है। इसका मतलब मैं देख लेता हूँ, सही आ रहा है हम लोग का, बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपका माइनस 10, माइनस 10 मतलब कॉम्प्रेसिव, तो ये हुआ, ये हुआ सिग्मा, जो आपका ये जो वैल्यू है ना माइनस 10, यही आपका एक्स फेस पे लग रहा है माइनस 10 एमपी, क्लियर है? तो मैं, अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया ना, एक चीज जो ये पूछा है ना, इसको ये तो समझ में आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक चीज जब इतना हम लोगों ने किया, तो मैं इसको साफ से लिखित में यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जो लास्ट पोर्शन जो आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन में, शो योर रिजल्ट्स ऑन अ स्केच ऑफ अ डिफरेंशियल एलिमेंट, जो मैंने ये किया यही चीज है, ये है आपका, मैं फिर से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, जो आपने ड्रॉ किया यहाँ पे ये यही है, ये है 50 MPa, 50 MPa, और ये है आपका 51.96, ओके, ये क्लॉक वाइज था, इसके जस्ट अपोजिट ये एंटी क्लॉक वाइज था, ओके, और इस पे आपका कंप्रेसिव लग रहा था 10 MPa का, ये -10 MPa, जरा देख लो, तो ये आपका
ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है ओके। और इसी से यहां से जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितना 30 डिग्री, और एक्स एक्सिस से 120 डिग्री जाओगे तब ये एक्सिस मिलेगा, ये वाला। हाँ ये 90 प्लस ये, तो ये 120, ठीक है। तो ये दोनों पे आपको यही आपको ड्रॉ करने के लिए बोल रहा था, ओके। डिफरेंशियल एलिमेंट के फॉर्म में आपने इसको ड्रॉ कर लिया, ओके ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और सीखने का आनंद लीजिए। आपका कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ऊपर लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल फर्स्ट मेरिकल था, ठीक है। अब चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग उसका लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, ओके थैंक यू।